ये गाना नहीं एंथम है, जो सब मेरे पैंथर है। मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है, तू ना रैपर है ना ही गैंगस्टर है। मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है वो एमसी स्टैन ने बोला था। हाँ मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है। अरे वो अच्छा ये वाला लाइन थी, वापस सुनते एक मिनट। हेलो आप लोग के आज हम वीडियो में सुनने वाले हैं नया गाना पैंथर का बेमिसाल फीचरिंग नेज, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सेज ऑन द बीट। इस गाने के अंदर नेज ने शॉट्स लिए हैं एमसी स्टैन पर, दैट्स व्हाई अपन ये अलग गाना सुनने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरे को नेज पसंद नहीं है भाई, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसका गॉडफादर जो गाना था ना वो इतनी बार सुना ना भाई, इतनी बार सुना है क्या बताओ भाई। वो गॉडफादर गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर एमसी स्टैन ने भी अगर इसको रिप्लाई दे दिया ना तगड़ा वाला, रियली बीफ बहुत भयंकर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को अभी से, अगर एक रिप्लाई डिस आ जाएगा मस्त मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। बहुत भयानक डिस होगा ये, क्योंकि एमसी स्टैन की पब्लिक बहुत ज्यादा है और नेस का रेफरेंस गेम बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। मेरे को तो नेस बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं इसने क्या बोल दिया है ऐसा एमसी स्टैन को, जो लोगों ने भड़क भी गए इतना ज्यादा। चलिए सुनते गाना। फ्लाइंग टूवर्ड्स द सिटी, तेरे भाई पैंथर, या अब करना रीच आउट तो कर मेरे मैनेजर को कॉल, खेला नहीं क्रिकेटर सो से पर मैं करता बॉल, खड़ा टॉल तेरे सामने अब होने का नहीं फॉल, शॉप करता जैसे बाप का है मॉल, हम है बेमिसाल करते हैं कमाल, हाल ही में कर दिए हैं सबके बुरे हाल, हम है बेमिसाल करते हैं कमाल, अब कैश करें काउंट पूरे 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 साल, हम है बेमिसाल करते हैं कमाल, कमाल हाल मेरे साल कमाल करे काउंट पूरे 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 साल 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 हाय नागे में सुबह शाम लौटे मचाते पूरे साल जो भी है क्या मेरे मुंह के सामने जा तेरा मुंह देख माम बचकानी वाना भी गुनेगार जाके तेरा मुंह देख माम। ये क्या बोलते हैं, रेफरेंस करा गया है उसको, क्या बोलते हैं एमसी स्टैन को, जाके मुंह देख तेरा माम। मे बी आई डोंट नो। रैप है मेरी जान, चला मैं उसके लिए चुने चांद, अब आपके पैर पड़ ले लूंगा तेरी कर मैं लिखता हूँ हार, ये कहते हैं करे भाई ये करे ये मीम्स रेफरेंस तो हमेशा रहेगा भाई नास के इसमें, हैकर भाई हैकर है अज्जू भाई वाला मीम्स रेफरेंस तो हमेशा रहेगा इनके इसमें। ये गाना नहीं एंथम है, जो सब मेरे पैंथर है, मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है, तू ना रैपर है ना ही गैंगस्टर है। मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है वो एमसी स्टैन ने बोला था। हाँ मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है। अरे वो अच्छा ये वाला लाइन थी, वापस सुनते एक मिनट। तू ना रैपर है ना ही गैंगस्टर है, ओके तू रैपर भी ना गैंगस्टर भी ना, इसने ये सब बोला गया है। हाँ वो क्या बोलते, हाँ क्या बोलते, वैसे नेस तो ले सकता था एन वर्ड, मेरे को नहीं पता उसने क्यों नहीं बोला पर एमसी स्टैन के एक लाइव स्ट्रीम में उसने बोल दिया था निगा विगा, तो क्या बोलते फिर उसके बाद उसने कवर अप करने के लिए बोल दिया निगा विगा मेरे को चलता रहे मेरा नाना इच नहीं गुरु था करके उसने ऐसा टाल दिया था। तो याले शॉर्ट्स लिए गए याले में, रुको देखते और आगे। फिर से मीम रेफरेंस, बहुत ज्यादा मीम रेफरेंस रहता है इस केस में, मजा पर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है मामले से। अभी तो पैंथर का भी आएगा ना वर्स, वही मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। खाते में सौदे करू अब कोने घाटे के पैंथर गन में मारे शेड टाइम टीम दे तो कहीं नहीं जाते लेट लेगेसी बना रखे से आगे देख गाने बरसे तो बच्चे गाने छाते से बड़े काटे दिन जहां काटे पेट पूरा गेम कर सालों मैंने कंटेंप्लेट हर दिन हर दम मिडिल क्लास वाली बढ़ती धड़कन शौक बड़े मन भी। ए यार ये बहुत अच्छा इंसान है यार भैया, मतलब इंसान का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। इंसान के बारे में को नहीं पता, अभी तक मिला थोड़ी ना हूं मैं भाई, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। मजा आ रहा है यार पैंथर के साथ, अभी जो गाने डाले जा रहे हैं ना पैंथर फट 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 फट, ये चीज देख के मेरे को बहुत मजा आता है। पैंथर इसलिए ऊपर हो गया भाई, और टैलेंट तो आई कंबल गानों पे नहीं फर्जी नंबर रगे में नहीं जा रहा आगे पहुंचा सबर हारते नहीं हम अब बस जीते या वो होता सबक पैंथर नाम मेरा घोड़ा गजब निकाला था लौंडे को हसल से कैसे निकालोगे हसल को लौंडे से टक्कर में कौन है भी ये सारे वो ना भी ये गिरने गुठली में रंग करा ऑरेंजेस है मेरे
भाई ये बहुत अच्छा था यार, ये वाली लाइन बहुत अच्छी थी, लिखा था लोंडे को हस्तल से, लोंडे से कैसे निकालोगे हस्तल ये। अरे भाई ये बहुत बढ़िया था लाइन थी यार, वाह मजा आ गया। खैर सब पीछे चीता है दौड़े, जब उसी रैपर्स के लगा दूंगा लौड़े सर। अरे बाप रे, पर रह जाती लेगेसी पर मां की जूते रैकेट्स की, आई एम कमिंग अप फॉर एवरीथिंग। या दूसरा है पैसा इज्जत अपने लिए, पहली चीज को छाद में रह जाते सस्ते, कितनी भी हो महंगी फीस, जब मरूं मैं तो मौत मेरी जान ले, पर नाम मेरा कभी मार ना पाए हैं हनुमान जी के भगत, हम तभी तो हर जगह जीते आग लगाए, निगाहें टिकी चील की तरह सब। भाई ये फिर से फाइट हो सकती है यार भाई, यार इनकेस में पहले क्या बोलते गलत कर्म में भी वो क्या बोलते भगवान का नाम लिया था और उसमें गाली भी दी थी, इसमें भी गाली दी है और भगवान का नाम लिया। यार भाई ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वापस से। मजा आ गया भाई गाना सुन के, गाना तो बहुत बढ़िया था, गाना एकदम बेमिसाल था भाई। बस मैं चाहता हूँ एमसी स्टैन का रिप्लाई आ जाए, फिर उसके बाद देखना भाई, मेरे को देखना नास कहाँ तक जा सकता है, सॉरी नेस, नास बोल दिया सॉरी। और एमसी स्टैन की लिखाई कितनी हद तक है, मेरे को ऐसा लगता है नेस की लिरिक्स ज्यादा तगड़ी है, मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा अच्छा लिखा रही नेस है, मेरे को ऐसा लगता है अभी पता नहीं है, कंफर्म अभी करना पड़ेगा अगर बीफ हो जाएगी तो। एमसी स्टैन की मेरे को म्यूजिकलिटी पसंद है, पर नेस का लिखाई मेरे को बहुत तगड़ी लगती है भाई, बहुत तगड़ी लगती है। बट पता नहीं अब आगे देखते क्या होता है, जो भी होता है। पर उससे पहले तुम लोग को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए। मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बाय।